अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं स्टच चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 43 साइज की हाफ स्लीव शर्ट की कटिंग। इससे पहले भी दोस्तों मैंने बहुत सी कटिंग की वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, शर्ट की, पैंट की, कोट की, सफारी की, शेरवानी की, इंडो वेस्टर्न की। जिन्होंने नहीं देखी हो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नाप मेरी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। 36 अरज का मेरा कपड़ा है, इस तरह से दोस्तों बिछा लेना है। उसके बाद लब से आपको किनारी के बाद से 2.25 इंच पे एक मारिक ऐसे लगाना है, एक मारिक ये लगा देना है। स्क्वायर रख के इस तरह से दोस्तों इसको पूरा मिला लेना है। दोस्तों चेस्ट 43 है, पेट भी 43 है और हिप भी 43 है। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। लेंथ दोस्तों मेरी है 29.5। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर रख के 1.25 इंच ऊपर यहाँ से जितना आपको दबाव रखना है वो आप दबाव रख सकते हैं, ये मारी खींच लेंगे। अब लेंथ है 29.5, तो ये 29.5 ये रखेंगे और ये आप लेंथ का निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों चेस्ट 43 है तो 1.25 इंच कम, क्योंकि 42 के बाद 43 है तो हमको 42 से चलना होता है, तो 1.5 इंच पे ये गिराव रख लेंगे इसका। और पेट का निशान लगा लेंगे 17.5-18 इंच पे। अब स्क्वायर से सभी निशान को दोस्तों इस तरह से मिला लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से सारे निशान को मिला लेना है। अब दोस्तों शोल्डर है मेरा 1.25, तो आप ये 9.5 सूट होता है 1.25 का, इस तरह से ये मारिक लगा लेना है और 9.5 सूट पे ये मारिक लगा लेना है। अभी सिलाई भी जाएगी, उसका हम बाद में निकालेंगे। इस तरह से इसको मिला लेना है। अब 1.5 इंच दोस्तों हम लोग यूजिंग रखेंगे, तो 43 का 11.5 होता है, 12.5 इंच पे हम ये मारिक लगाएंगे, 12.5 इंच पे इसको भी लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट, पेट और हिप 43 है, 12.5 पे इसको मारिक लगाएंगे ये। अब दोस्तों इसको इस तरह से शेप पट्टी रख के इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब 1.25 इंच पे ये मारिक लगा लेंगे, हल्का सा शेप देते हुए इसको इस तरह से कर देंगे। इससे करने से क्या होता है दोस्तों, जब मेरी बैग जो होगी वो पीछे से लटकेगी नहीं, इस तरह से दोस्तों हम शेप दे देंगे। कॉलर है दोस्तों इसका 16.5 इंच, तो कॉलर जो होता है उसका छठा हिस्सा दोस्तों लगभग लगाया जाता है, तो 2.5-3 इंच आएगा। इस तरह से ये मारिक लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से इस जगह से 1.5 इंच पे ये मारिक लगाएंगे। अब 1/2 इंच हम यहाँ से उठाएंगे ये, अब इसको इस तरह से मिला लेंगे। दोस्तों अब देखिए शोल्डर मेरा था 1.25, ये मार्जिन हो जाएगी मेरी 1/2 इंच। अब इस तरह से इसी लाइन पे मिलाते हुए हम ये दोस्तों शेप दे देंगे। शेप देते हुए बहुत ध्यान देना है, बहुत गड्ढा भी ना हो और बहुत छिछला भी ना हो। तो दोस्तों ये स्कूल की शर्ट है, ड्रेस है। ये देखिए मेरा फ्रंट का मारिक हो गई है। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ये मार्जिन आपको जितना देना हो, 1/2-1.5 इंच बहुत होता है मार्जिन, आप मार्जिन दे सकते हैं।
ये कुटका मार लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों हम बैग लगा लेंगे। बैग लगाने से पहले इस तरह से कपड़े को लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से हम सामने को रखेंगे, पौन इंच कम करके बैग रखेंगे, नब से ऊपर से नीचे तक पौन इंच कम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने पौन इंच कम करके बैग लगाया है। अब एक मारी की पॉइंट पे ऐसे लगा देंगे कपड़े को, इस तरह करके इस पायर से ये मारी को हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों शोल्डर है मेरा 19.5, तो 9.5 एक सूत और प्लस मार्जिन, और हल्का सा दोस्तों ये हम शेप दे देंगे। ये शेप देने से बैग में बैग की पीस बहुत साफ रहती है। अब इसको ऐसे ही सीधा जाते हुए ये इसका भी शेप दे देंगे। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। दोस्तों वीडियो जरा भी स्किप मत करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधा करके बैग काट लेंगे। ये दोस्तों मेरा फ्रंट और बैक हो गया है। अब हम काट लेते हैं शोल्डर। शोल्डर को हम इसी जंग से निकाल लेते हैं अभी, इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक बार नाप के देख लेंगे आपका शोल्डर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इस तरह से कपड़े को रख लेंगे दोस्तों, स्क्वायर रख के दोस्तों इस तरह से बिल्कुल सीधा मारिक लगा लेंगे। अब 3.5 इंच ऊपर ये मारिक लगाएंगे, 3.5 इंच ऊपर ये मारिक लगाने के बाद इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। शोल्डर 19.5 है तो 9.5 सूट होता है उसका, और प्लस मार्जिन। अब दोस्तों शेप पट्टी रखी इस तरह से, इसका शेप दे देंगे हल्का सा, और यहाँ पे 2 सूट ऊपर करके ये हल्का सा यहाँ पे भी शेप दे देंगे, इससे बैग की पीस क्लियर रहेगी। और जितनी सामने में आपने तीक लगाई थी उतनी ही तीक यहाँ पे भी 2.5 इंच 1 सूट लगभग तीक लगा लेंगे, और यहाँ से 1.25 इंच उठा देंगे उसको, और इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे तीक की। दोस्तों ये मेरा शोल्डर हो गया है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा वीडियो, जरा भी स्किप मत करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हर एक चीज़ की कटिंग आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मेरे कस्टमर आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ये देखिए दोस्तों मेरा शोल्डर तैयार हो गया है। दोस्तों अब हम आस्तीन काट लेंगे इस तरह से, कपड़े को रख लेंगे इस तरह से। कपड़े को बिछाने के बाद दोस्तों आपको जितना आस्तीन में दबाव रखना हो वो दबाव आप छोड़ देंगे उतना, 1.5 इंच 2 इंच इस तरह से आप दबाव रख देंगे। अब आस्तीन की लेंथ दोस्तों 10.5 है, 10.5 ये रखेंगे और ये 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे। दोस्तों 43 है तो हम इसका 5 इंच गिराव रख लेंगे, यहाँ पे भी वही रख लेंगे। अब दोस्तों
जितना आपने फ्रंट में गिराया था 10.5, तो 10.5 इंच यहाँ पे भी रखेंगे, 10.5 इंच ये रख के ये मारिक लगा लेंगे। मोरी है दोस्तों 15.5, तो 8.5 पे ये मारिक लगाएंगे इस तरह से दोस्तों, इसको ऐसे मिला लेंगे इस तरह से, शेप देते हुए हम इसको ये कर लेंगे, इसको भी इस तरह से ये कर। अब दोस्तों हम कटिंग कर लेंगे स्टिंग की इस तरह से। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों हम आपको कटिंग करना बता रहे हैं। ये दोस्तों स्टीम हो गई है, हम अब एक फुट का ये मार लेंगे इस तरह से। अब इसकी हम ताल खाने का निशान लगा लेंगे इस तरह से, लगभग यहाँ पे 1 इंच ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए दोस्तों ये मेरी स्टीन की कटिंग हो गई है। दोस्तों मेरी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में शो होती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।